जब भी कभी बाहर खाने जाते हैं तो स्टार्टर में हम एक प्लेटर ज़रूर मंगवाते हैं। उसमें एक चीज़ तो ज़रूर होती ही है, वो है स्टफ्ड मशरूम, जो कि बड़ा ही टेस्टी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को पूरा देखने के बाद वही सेम टेस्ट वाला स्टफ्ड मशरूम घर पर आसानी से बना पाओगे। और अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए और उनको आप स्टार्टर में कुछ बढ़िया सर्व करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट क्या ही होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मशरूम को 2-3 बार बढ़िया से वॉश कर लेंगे। फिर इसके जो स्टेम हैं उनको हम हल्के हाथ से निकाल देंगे तो ये आसानी से ही निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे मशरूम के स्टेम को निकाल लेंगे। तो ये हाथ से आसानी से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और स्टेम निकलने के बाद देखिए इनमें एक होल क्रिएट हो रहा है। तो इनको निकालने के बाद हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर अब हम इनको ब्लांच कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हम 1 गिलास पानी लेंगे, 1 पिंच हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालकर सारे मशरूम को इसमें डाल देंगे। 5 से 6 मिनट तक बॉयल करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इन्हें ठंडे पानी में निकाल लेंगे। फिर इन्हें हम ऐसे थंब की हेल्प से प्रेस करके इनका सारा पानी निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये मशरूम भी हमने रेडी कर लिए हैं। आज हम इसे अचारी मसाला के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम 1/2 चम्मच सरसों लेंगे, 1/2 चम्मच कलौंजी लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में ही 1/4 चम्मच मेथी डालेंगे। और अब हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इन्हें ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो उसके लिए हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इनका एक पाउडर बना लेंगे। और अब हम इनकी स्टफिंग रेडी करते हैं। उसके लिए एक पैन में हम 1 चम्मच तेल लेंगे, साथ में हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर ऐड करेंगे। इन्हें 1 मिनट तक कुक करेंगे और साथ में ही लेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कैप्सिकम, 2 से 3 चम्मच के करीब बारीक कटी हुई बेल पेपर। और अब सबसे पहले हम इसमें प्याज को डाल देंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें कैप्सिकम और बेल पेपर को डालकर इनको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इनको हल्का हल्का सॉफ्ट कर लेंगे। 2 मिनट तक कुक करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसमें हम लेंगे 1/4 चम्मच काला नमक, साथ में ही रेगुलर नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और जो अचारी मसाला हमने रेडी किया था वो 2 चम्मच ऐड करके इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे भी कुक करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको मिला लेंगे और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे और इसे मिलाएंगे। चीज़ को अपने आप इस हीट से मेल्ट होने देंगे। तब तक हम स्लरी को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। तो मशरूम को भी ब्लांच कर लिया है, स्टफिंग भी रेडी है, हमारी स्लरी भी रेडी है। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए स्लरी हमें इस कंसिस्टेंसी की चाहिए, साथ में ही हमने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। तो अब एक मशरूम को लेकर उसमें ये स्टफिंग भरेंगे, देखिए इस तरीके से हल्का सा अंगूठे से प्रेस करके। और इसी सेम तरीके से हम दूसरे मशरूम में भी ये स्टफिंग को भर लेंगे और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम टूथपिक लेंगे। तो एक टूथपिक को लेकर हम इसे एक सिरे में डालेंगे, देखिए इस तरीके से, और एक और टूथपिक को लेकर हम इसे दूसरी एंड में डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले ये सारे मशरूम को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे मशरूम को रेडी कर लिया है और अब हम मशरूम को इस बैटर में डिप करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसे ब्रेड क्रम की कोटिंग करवाएंगे। तो इसी सेम मेथड से हम सारे मशरूम को रेडी कर लेंगे। तो ये सारे मशरूम हमने कोट कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करना है। उसके लिए पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और ये सारे मशरूम केयरफुली इसमें डाल देंगे। इनको हम 2 बार फ्राई करेंगे, पहले हाफ फ्राई करेंगे और फिर इन्हें फुल डन करेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये ऐसे कलर के होंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। सेकेंड फ्राई के लिए हम इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे और तेल को फुल गर्म कर लेंगे। 5 मिनट के बाद अब हम इन्हें फुल गरम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे।
डबल फ्राई से ये ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, जो कि इनके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और अब मैं आपको एक मशरूम लेकर दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया क्रिस्पी हुए हैं। और अब हम इन्हें नाइफ की हेल्प से इस तरीके से बीच में से काट कर सर्व करेंगे। तो देखिए अंदर से भी इनकी स्टफिंग कितनी बढ़िया बनी है। अब हम इनको गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। और लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो है ना बिल्कुल इजी रेसिपी। तो जब भी आपके घर पर कोई गेस्ट आए और आप स्टार्टर में कुछ बढ़िया सर्व करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।